जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विशाख मास महात्म्य के 11वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले विशाख मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आप किसी भी अध्याय की कथा उस लिंक को खोल कर सुन सकते हैं। तो अब 11वें अध्याय की कथा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। तो 11वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। राजा मैथिल आगे कहने लगे हैं कि जब कामदेव भस्म हो गया फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। श्रुति देव ब्राह्मण ने ये सुनकर कहा है कि यह कथा स्वामी कार्तिक के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। इस कथा को सुनने मात्र से पुण्य मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। हे राजन, जब महादेव भगवान ने कामदेव को जला दिया तो उस समय उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से, दुख से मूर्छित हो गई है। जब 2 घड़ी के पश्चात उसकी मूर्छा हटी है तो उस समय अत्यंत विलाप करने लगी है, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। दुख की इस भयंकर अवस्था में रति ने चिता बनाकर उसमें जल जाने का विचार किया और अपने पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया है। जब वह चिता बना रही थी कि बसंत भी वहां आ गया। वह रति को देख अति दुखित होकर रति को समझाने लगा है। वह कहने लगा है कि आत्मघात करना उचित नहीं है, धर्म से विपरीत है। आत्महत्या करने वाले कभी भी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकते। आत्महत्यारे को सदा नरकों में वास मिलता है। उस समय जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान करके सब इंद्रियों को रोक कर और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हुई है। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई है कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो, तुम्हारा पति पुनः जीवित होगा। भगवान श्री महादेव जी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हारे पति को दोबारा जन्म मिल जाएगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में तुम्हारा पति कामदेव फिर से उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से शंबर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी, वहीं तेरा पति प्रद्युम्न तुझको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हुई है और जब रति ने आकाशवाणी सुनी है उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर उसके पश्चात जिन देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए भगवान श्री भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया है कि अब से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे हैं कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था, उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी थी, परंतु रज संकर कारणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब वे शाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन करके तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से अक्षुण्य शयन नाम काम का व्रत करने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार का वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए हैं। इसके पश्चात रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान करके पवित्रता से अक्षुण्य शयन व्रत को धारण किया है। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने वे शाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्रुतदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि जब महादेव भगवान
पार्वती जी के सम्मुख खड़े हुए अंतर ध्यान हुए हैं, तो उस समय पार्वती जी खड़ी रह गई और सोचने लगी हैं कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर पर ले आए हैं, परंतु पार्वती श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तपस्या करने लगी हैं। मन में धारण किया है कि अगर विवाह करना है तो भगवान शंकर से करना है, अन्यथा किसी और से भी विवाह करना ही नहीं है। भोजन आदि छोड़कर तपस्या करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो आई हैं। इस प्रकार हजार वर्ष तक भगवान शिव जी की आराधना करती रही। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति देख कर कहने लगे हैं कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वो वरदान मांग लो। तब पार्वती जी कहने लगी हैं कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हो। तथास्तु कहकर श्री शिव जी ने सप्तऋषियों को बुलाया है और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी है कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। सातों ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पर जाकर पहुंचे हैं। उस समय राजा हिमाचल ने उनका यथासंभव पूजन आदि से सत्कार किया है। तब ऋषियों ने कहा है कि हे राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पानी ग्रहण करने के योग्य भगवान शिव के सिवाय और कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो। तब हिमाचल कहने लगा है कि मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिव जी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी भगवान को जाकर कह दें कि मैं प्रीति पूर्वक अपनी कन्या उन्हें अर्पण कर चुका, आप उसको अंगीकार कीजिए। इसके पश्चात हिमाचल कन्या के विवाह के प्रबंध के लिए सोचने लगे हैं। उधर सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास पहुँचे हैं और विवाह निश्चित करके चले गए हैं। इसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियां और विष्णु आदि सब देवता विवाह उत्सव देखने के लिए चल पड़े हैं। आज भगवान शंकर महादेव भोलेनाथ अपने विवाह के शुभ दिन बैल पर आरूढ़ होकर चारों ओर भूतगणों से सेवित शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों के शब्द के साथ तथा वंदीजनों के समूह सहित ऋषिगणों की वेद ध्वनि में हिमाचल के घर में जाकर प्रवेश करते हैं। उस समय शुभ मुहूर्त था। उसी शुभ मुहूर्त में, उसी शुभ लग्न में, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने अपनी कन्या श्री पार्वती जी का विवाह भगवान श्री शिव जी भोलेनाथ महादेव से किया है। महोत्सव के पूर्ण होने पर भगवान शिव लौकिक धर्म का पालन करने लगे हैं। संपूर्ण रिद्धि और सिद्धियों से युक्त इंद्र के भवन के समान हिमालय के शिखर पर, नंदिनी के तीर पर, वन के बीच में जहाँ भंवरे गूंजते रहते और पक्षी अपना सुंदर शब्द करते हैं, पार्वती जी के साथ दिव्य हजार वर्षों तक रमन करते रहे हैं। जब भगवान श्री शिव जी पार्वती के संग नित्य रमन करते रहे, परंतु गर्भ स्थिति नहीं हुई, तो देवताओं को अति चिंता हुई है। सब मिलकर इसके कारण को सोचने लगे हैं। सब देवता चिंता में हैं कि कब भगवान शंकर के पुत्र हो और कब हमारे शत्रु तारकासुर का संहार हो। उस समय सब देवता विचार करके अग्निदेव को बुलाते हैं और उनको समझाते हैं कि जिस समय महादेव जी रमन कर चुके हो, तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती जी तुमको देखकर लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना। उस समय शिष्य के समान बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और रमन के समय वहाँ पर पहुँच जाने से पार्वती जी लज्जा के मारे रमन छोड़कर एक तरफ चली गई हैं। शिवजी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा। उन्होंने श्राप दिया है कि मेरा वीर तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्नि ने उस वीर को अपने उदर में ग्रहण कर लिया और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज वीर को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन नहीं कर सकी हैं और उसको सरपत्तों अर्थात सरकंडों में फेंक दिया और वहाँ पर उसके 6 भाग हुए हैं। तब ब्रह्मा जी ने 6 कन्याओं को भेजा है
उन्होंने उन छह भागों को जोड़ दिया, जिससे छह मुख और एक अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। इसके पश्चात एक दिन श्री महादेव जी और माता पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा ही पार्वती जी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी है। तब पार्वती जी ने श्री महादेव भगवान से इसका कारण पूछा है। उस समय माता पार्वती जी की ये बात सुनकर भगवान भोलेनाथ महादेव जी कहने लगे हैं, हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, यह पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और उसके पश्चात श्री महादेव जी भगवान ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को कह सुनाई है और कहा है कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों में दूध आ गया है, क्योंकि वे तुम्हारे ही पुत्र हैं। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया और अपने गोद में बिठाकर उसको अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी हैं। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह में मुग्ध होकर उसको कैलाश पर्वत पर ले आई हैं और उसका पालन पोषण करने लगी हैं। इतनी कथा सुनाकर श्रुतदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, यह कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही है। तो इस प्रकार वैशाख मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। आपसे एक छोटा सा निवेदन, कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। भगवान की कथाओं को सुनने से मनुष्य को जीवन में सुख संपत्ति आनंद मिलता है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा आपके घर में निवास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय वैशाख मास महात्म्य की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।